एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ। जी दाऊद, कहाँ से बात करें? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मैंने आपके कुछ सेशन भी अटेंड करे हैं। दाऊद, मैंने पहचान लिया आपको, इतने प्यारे अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, क्यों नहीं पहचाना आपको। वो तो हमारे हमारे एक बार बहस भी हो गई थी, आपको पता है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैंने आवाज़ से आपको पहचान लिया। मेरे जो बहुत ऐसे स्टूडेंट है और बहुत अच्छे स्टूडेंट है और बहुत मेरी इज्जत अफजाई और मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपका स्टूडेंट बना, कि मुझे जिंदगी में एक पॉजिटिव राह मिली और मुझे एक ऐसा, एक आपने मुझे मुझ में ट्रांसमिट किया एक ऐसा फन, एक ऐसा हुनर, एक ऐसा यानी जी कि तरीका, कि जिससे कि मैं ना सिर्फ कि मेरी लाइफ जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से सही डगर पे आ गई है, जी माने अपने एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करने से माशा लेकर अपनी पर्सनल हीलिंग करना, कि जिससे कि मैं अपने शबो रोज जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में, बहसीत मुसलमान और बहसीत इंसान, मैं अच्छे गुजारता हूँ। ना सिर्फ माशा ये बल्कि ये भी कि मैं इससे जो दूसरों को के तौर पे जो मैं ये हीलिंग करता हूँ, मेरे से फैमिली मेंबर्स भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, जी प्लस वो लोग भी हैं कि जिनसे कि मेरी मुलाकात होती है, तो उनको भी इससे सर मुस्तफीद हो रहे हैं। और मकसद हर लिहाज से मैंने मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर के, मुख्तलिफ इमराज से लेकर के, मुख्तलिफ डिसऑर्डर में जो लोग मुब्तला थे उनको मैंने सरिये फैज पहुंचाया, और उनकी शायद दुआएं हैं कि आज मकसद कह रहेगा कि मेरे, जब मैं आपके पास आया था तब से लेकर के अब तक मेरी जिंदगी के अंदर मामूलात में और मेरे मामलात में दोनों जी लिहाज से सर बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। और माशाल्लाह सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत जी, दे, तंदुरुस्ती दे और परवरदिगार आप भी लोगों का भी शुक्रिया क्या आते हैं, मुझे अब आप लोगों से भी शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि ये सवाब में हम भी शामिल हैं, बिल्कुल और सर जब बिल्कुल, आपको सवाब बस ये मिलता है तो आपके अल्लाह हाथ हमें। मिलने वाली मिसाल है, जी और बिल्कुल इसमें यही है कि डेफिनेटली अल्लाह ताला के जिसकी रहमो फजल में कोई कमी नहीं है, तो जी वो उसके सवाबी तो सदका जारी है सर, ये बिल्कुल चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का बस एक सर अल्लाह बहुत ताला, मेरी दुआ है कि परवरदिगार इस मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत करे, और वो लोग के जो कि किसी भी तरीके से अगर वो बीमार हैं या मायूस हैं या उनके नॉर्मल शबो रोज है वो अगर बड़े ही हेक्टिक गुजारते हैं, बड़े ही फिक्स गुजारते हैं, तो वो इस अपनी मसरूफियत के बावजूद वो खुशहाल ही नहीं बिल्कुल फिट रह सकते हैं, ये आपकी क्षमता की ट्रेनिंग हासिल कर और फिट रह सकते हैं, और ना सिर्फ ये फिट रह सकते हैं बल्कि एक अच्छी खुशगवार जिंदगी बहसीत मुसलमान, और अगर वो मुसलमान नहीं भी है तो बहसीत इंसान वो गुजार सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत खुश बहुत नसीब के बहुत जरिए कॉल हुआ आपके साथ, और मैं बहुत कल अच्छा अपनी हिंदी आपने क्लासेस देने का ख्वाहिश करता कॉल हूँ। किया दाऊद, और अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे, और उम्मीद है कि दूसरों को भी आप रागब करेंगे, इस तरफ ले आएंगे और इस तरफ दावत देंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट से जो बहुत एनर्जेटिक और बहुत बात करके मुझे खुद भी एनर्जी मिलते है, ताकत मिलते है। तो इसी तरह कुछ स्टूडेंट जब थोड़े ढीलापन दिखाते हैं ना, तो उसके साथ मैं भी लेजी हो जाता हूँ, ऐसे ढीलापन मुझ में भी आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आप जब कनेक्ट रहते हैं हमसे तो हमारी ताकत बढ़ जाते हैं। देखिए, एक पावर, एक हाथ से काम हो तो सकता है, लेकिन दोनों हाथ जब मिल जाते हैं तो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो इस वजह से आप स्टूडेंट जितने भी हैं हमसे कनेक्ट रहे और आए हैं जील साइंसेस में हमारे से, एक बार रिपीट भी करें, क्योंकि रोज़ बरोज़ नॉलेज बढ़ता होता है जाते हैं। तो आप कनेक्ट रहिए प्लीज़, अच्छा है। आई कॉल होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاسم, قاسم جی جی قاسم سرور صاحب, کیسے ہو آپ؟ اچھے ہو؟ اللہ کا کرم ہے سر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر. میں ذرا شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کافی آپ کے یہاں سے جو کورس کیا اور اس کے بعد ماشاء اللہ 1-4 میں نے اپلائی کیا تھا, تو ماشاء اللہ بہت اچھے ریزلٹ آئے. خاص کر کے وہ بیک پین کا جو مسئلہ تھا, جی جی, اس سے کافی ریلیف ہوا سر ماشاء اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. اللہ آپ کو اور, ہلو, اللہ آپ کو اور ساری خوشیاں دے. میں آواز آ رہی ماشاء اللہ. سر کا درد وغیرہ, یہ پیر میں درد کا, یہ جو شکایتیں ہوتی تھیں, تو 2-3 ماشاء اللہ گھر کے ہی افراد سے, تو ان کو ماشاء اللہ بڑا ریلیف ہوا سر ماشاء اللہ. جی جی جی. ویسا آپ کو تو اس وجہ سے ہم دعائیں دے سکتے ہیں, بس پہلے پہلے لوگ یقین نہیں کرتے, اور جب ہو جاتا ہے تو پھر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا جادو. جی بالکل, حیران ہو جاتے ہیں. اور وہ پیرالائز پتہ میں پوچھ رہا تھا سر, وہ کون تھا پیرالائز جب ہو جاتا ہے بندہ, تو اس کے لیے کون سا یوز ہوگا سر؟ بالکل, وہ اس کے لیے لیول 5 اور 7 استعمال ہوتے ہیں. ہلو, ڈیپینڈ کرتے ہیں بیماری پہ. لیول 7 ڈیپینڈ, جی لیول 7 لیول 5 اور 7 اس پہ ڈیپینڈ کرتا. اچھا میرا آواز شاید میرے تو کچھ پرابلم ہے اس میں, میں آپ کو انہیر بتا دیتا ہوں. جی ہم جو ہے نا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑے سے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسے پرابلم ہے جیسے بہت کرونک ہے, وہ لیول 5 اینڈ لیول 7 یہ اس لیول سے کیور ہو جا, انشاءاللہ کیور ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اگر دوسرے لیول سے نہیں ہوتے سمدھا 1-4 سے, تو وہ آپ اس لیول کو اپلائی کریں, اور ان سے کم سے کم ایسے پیشنٹ کو چاہے ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی آپ 5-6 سیشن لازمی دے دیں, چاہے ٹھیک بھی ہو جائے, چاہے ایک, کبھی کبھی اگر ایک بیماری ایک سیشن میں بھی ٹھیک ہوتے تو جو 1-4 لیول ہے اس کو کم سے کم ہم 3 سیشن تو لازمی دیتے ہیں, اور اگر کچھ بیماریاں ہوتے اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے, 10 سیشن بھی دینے پڑتی ہے, تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ جب تک کیور نہیں ہوئے ہیں آپ ان کا علاج کریں گے, لازمی ان کا علاج کرتے رہیں گے, تو آہستہ آہستہ کیور ہو جائے. جس طرح ہم کچھ میڈیسن ڈوز ہوتے ہیں اس کے ہم لیتے ہیں میڈیسن کو, اور صبح دوپہر شام ایک ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں. یہ صبح دوپہر شام تو آپ کو نہیں لینا پڑے گا, دن میں ایک بار, یعنی آپ ایک ہیل کرتے ہیں سیشن دیتے ہیں آپ لوگوں کو دن میں صرف ایک بار, اور وہ بھی 3-3 بار, یعنی 3 سیشن دیں گے آپ 3 دن میں, تو ہر دن میں 1 سیشن ہوتی ہے کسی بھی لیول سے. اگر ہو سکتا ہے اگر بہت ایمرجنسی ہے تو آپ 2 سیشن بھی دے سکتے ہیں دن میں, اگر آپ کے پاس آپ کی گرمی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ہے آپ کو, لیکن 1 سیشن کافی ہوتی ہے. اگر زیادہ کوئی ایسا کوئی پرابلم کچھ اور ہے, مثلا کوئی ایسا پرابلم ہے کہ بہت زیادہ پرابلم ہے, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کرونا ڈیزیز میں کاؤنٹ کر کے اور اس کا علاج کے مختلف طریقے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ کو رزلٹ ملیں گے, یعنی جسے آپ سائیکک سرجری یا سمدھا سرجری جسے کہتے ہیں, اور اس طرح کے لیول 8 میں کچھ اس طرح کے ٹیکنیک سے جو آپ کو بتایا گیا. اگر آپ بھول رہے ہیں تو آپ آئیں ایک بار ریپیٹ کریں, دوبارہ سے ریپیٹ کریں, وہ نقصان آپ کے ہیں جو آپ بھول گئے ہیں. بہت سے چیزیں یا توجہ نہیں دی آپ نے, بھول نہیں گئے توجہ نہیں دیے, کیونکہ میں دیکھا جاتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کے تھوڑے سے اس طرح ہوتے ہیں, ان کے دھیان منتشر ہوتے ہیں کوئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, میں لاہور سے, آپ کی اسٹوڈنٹ لاہور سے. آپ کے نام کیا ہے؟ شائستہ طارق. شائستہ طارق, جی جی شائستہ طارق. جی سر لاہور میں آپ کے 1-4 لیول, بالکل میں نے سن لیا آپ کی باقی بات, صرف نام پوچھنا تھا.
जी शाइस्ता तारिक, बहुत अच्छा। सर मैंने सिर्फ ये बताना था कि अल्लाह ताला के करम से और आपकी गाइडेंस से मेरा बहुत फर्क पड़ा और मैंने काफी लोगों को हिंदू भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत फर्क पड़ा। अगर टाइम है ना वन डे वन डे काफी है। दूसरी मेरी प्रॉब्लम एक है, आप जैसे फरमाए जितना टाइम है ना उसके मुताबिक बात कर लेती हूँ। अपनी प्रॉब्लम पूछना चाह रही थी और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किए, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए और हमसे और कोई सवाल हो आप सवाल भी कर सकती है। जी सर, सबसे पहले मैंने अपनी एक भांजी है उसको काफी अच्छे से स्किन प्रॉब्लम थी, दूसरे डिप्रेशन बहुत था। मैंने उसको बताए बगैर भी उसको ना तकरीबन 6-7 दिन उसको मैंने हीलिंग दी। उसकी तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चेंज आई, वो फ्रेश और बड़ी खुश रहना शुरू हो गई। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपको कैसे तब्दीली फील हो रही, क्योंकि वो हर बात बड़ी जोर से बोझ बन जाती थी। तो आप ही बीच में पूछे ना, मुझे तो ये पता था मैं डन करती हूँ, तो आपने जब से चेंज शुरू किया है ना तो मुझे बड़ा फर्क पड़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। तो मैं बात हूँ उसको सेहत दी, फिर मेरे अपने बच्चे हैं उनके साथ ये सारे मसायल थे। मेरी एक अपनी सेहत की एक बहुत बड़ी काफी अच्छे से प्रॉब्लम थी। मुझे ना वैसे ही मौसम बदलता था ना तो सर ठंडा हो जाता था और कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड जो बीमारी जैसे जुकाम हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, सर दर्द वो चलती रहती थी। जब से मैंने खुद से हिलिंग लेनी शुरू की, अल्लाह ने इतना करम किया माशाल्लाह कि मेरी ये प्रॉब्लम सेटल हो गई मेडिसिन के बगैर। माशाल्लाह मुझे नहीं अंदाजा था, ये मेरी बचपन की प्रॉब्लम थी। बहुत अच्छा करम किया माशाल्लाह, बड़ी जुदा दे अल्लाह तक जानते हैं उन्होंने आपको क्यों चुना और किसी को वो कहाँ कौन सा रुपया देते हैं अल्लाह पाक लिखते जानते हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ा आप पे करम किया हुआ है। बहुत शुक्रिया, ये अल्लाह का बहुत अच्छा। आप लोगों को अल्लाह ताला ये आप लोगों को भी शुक्रिया है जो कि आप लोग खुद आए हैं और आप लोगों ने इस सवाब में मैं भी शामिल हूँ। अगर आपके कोई दुख 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 का दूर होता है बिल्कुल या सबका जा रही है वो चिराग आपने बुलाए जी, हम वो छोटे छोटे बुलाते हैं चिराग हैं। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, और इंसान का आपके लिए मैं तो हर दुआ में आपको याद रखूं। इंसान का एम यही होनी चाहिए, मकसद ही यही होनी चाहिए कि ऐसा कुछ दुनिया में करके जो मकसद वो इंसान इनके जाने के बाद भी याद रख सके। तो आज आप भी एक मिसाल है स्टूडेंट्स पे, एक मिसाल है ना खुद, यानी वो अगर किसी के दर्द दुख दूर होते हैं उनके बगैर साइड इफेक्ट के बगैर कोई उन्होंने इस चीज का सच महसूस किया। अब क्योंकि वो मेरे सब कुछ मैंने आपको बताऊं, उनको 20 साल पहले से डिप्रेशन का अटैक हुआ सीरियस और वो सब कुछ छोड़ साल के लिए सुसाइड तक चले गए। अब वो मेडिसिन ये जो भी सिलसिला था बुजुर्गों को दर्द जाना अल्लाह का जो 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 कुछ पैसे था सब कुछ किया, लेकिन उसके जो इफेक्ट थे उनके दर्द थे वो नहीं चलते थे। बच्चों में दर्द रही सर में दर्द रहा की बातें करने का शुरू हुई। मैंने फिर उनको कहा कि आप लेते हैं, मैं आपको आपको सुकून और मैं इंशाल्लाह भी दूंगी और मेरे अल्लाह पाक से मुझे बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी गुरबे के साथ मैं ये करती हूँ कोशिश, क्योंकि लोगों ने इससे अगला कोई चाहती हूँ बस अल्लाह पाक मुझे और मेरे साथ जितने लोग जो मेरे साथ हैं दोस्त रिश्तेदार मिलने वाले अगर मेरे हाथ से किसी को शिफा हो सकती है जो मैं कह रही हूँ अल्लाह पाक की मुझे में तो अल्लाह पाक मुझसे वो काम ले लो। और कोई नाम कोई बात कोई पैसा कोई चीज कोई रास्ते में ना हो बस उसकी रहमतें हों और पक्ष में इस्तेमाल करें हम इस दुनिया में जो कार ना की बात सुन बड़ी प्यारी बातों की मेरे हस्बैंड जी का बहुत स्वस्थ सुन जारी किया जी जी बाकी रास्ते तो इतने प्यारे इंसान है ये मुझे इतना अच्छा लगा है क्योंकि ये जो चेहरा है ना ये इंग्लिश है ना उसके माइंड का
अल्लाह आपको बहुत सी खुशियाँ दे, और मुझे उम्मीद है इस दफे मैं लाहौर इंशाल्लाह आ रहा हूँ। सोलह लाहौर को मैं आ रहा हूँ, और नेक्स्ट लेवल भी आप करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आपके फैमिली के मेंबर्स हैं उन सबको इस तरफ लाजमी 1-4 तो लाजमी करवा दें।